हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सिक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक कंप्यूटर साइंस और उसका सेकंड चैप्टर कंप्यूटर कंपोनेंट्स तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करने से पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है उसके क्या क्या यूजेस हैं और वो क्यों पॉपुलर है इतनी फील्ड्स में हमने सारे के सारे कैरेक्टर सिक्स पढ़े थे कंप्यूटर के बारे में और ये भी बताया था कि हर फील्ड में वो इतना इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स यानी कि हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कैसे इंफॉर्मेशन अंदर दी जाती है और कैसे बाहर रिसीव होती है तो आप ये सोच रहे होंगे क्या होते हैं आप यहाँ पर बुक में जो इमेज दी हुई है उसे चेक कर सकते हैं वहां पे क्या क्या बनाया हुआ है एक सीपीयू बनाया हुआ है की है माउस दिया हुआ है और मॉनिटर या उसे एल बोल सकते हैं जहां पर स्क्रीन पे कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस हैं ये सीपीयू से जुड़े होते हैं जो सीपीयू है वो दिमाग होता है हमारे कंप्यूटर का हम ऐसे बोल सकते हैं जिसके भरोसे कंप्यूटर जो है वो चलता है तो चलिए इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस जिससे हम कमांड अंदर देते हैं वो होता है एक तो आपका कीबोर्ड और एक आपका माउस दोनों ही जरूरी होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए अगर कीबोर्ड नहीं लगा हुआ कंप्यूटर सिस्टम के साथ तो एक एरर का मैसेज आ जाता है कि आप कीबोर्ड को दोबारा से लगाओ तो कीबोर्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इनपुट डिवाइस का जिसमें कैरेक्टर्स डाले जाते हैं आप लिख सकते हैं नंबर्स डाल सकते हो माउस का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट करने के लिए कोई भी चीज वैसे ही जो मॉनिटर है जो स्क्रीन है जो एलसीडी है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जिसपे हमारे पास रिजल्ट आता है तो ये दोनों चीजें इनपुट और आउटपुट बहुत ही जरूरी होती हैं इनके बिना जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकता मतलब आप कहाँ से कमांड दोगे और कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा तो एक कंप्यूटर काम कैसे करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर मतलब वो इंफॉर्मेशन अंदर लेता है प्रोसेस करता है फिर उसे बाहर दे देता है तो इसका एक नाम है प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट इनपुट के बाद प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद आउटपुट दिया जाता है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होता क्या है सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की ये तीनों जो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये हिस्से हैं प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर के तो इनपुट में क्या होता है जो प्रोसेसिंग होनी होती है उससे रिलेटेड जो डेटा है जो इंफॉर्मेशन है जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर में डाली जाती है अब हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है कंप्यूटर के अंदर दिमाग तो होता नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकली काम करती हैं तो इसके अंदर जो डेटा है वो अलग तरीके से काम करता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है हम वैसे काम नहीं करते ये जीरो और वन की फॉर्म में ही काम करता है बाहर हमें कीबोर्ड पे बेशक Q, W, E, R, T, Y ऐसे अलग अलग लेटर्स दिखाई दे जाए लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो दो कमांड्स होती है जीरो या वन की वैसे ही कंप्यूटर काम करता है उनको समझ के तो जो काम करता है कंप्यूटर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इंसान अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं लेकिन कंप्यूटर उसे चेंज कर लेता है अपनी लैंग्वेज के अंदर जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर याद रखना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज कर लेता है अब ये जो कन्वर्जन हो रही है ये इनपुट कॉम्पोनेंट्स के द्वारा हो रही है मतलब बेशक बाहर आप की बोर्ड पे पी डाल रहे हो एंटर डाल रहे हो लेकिन वो जो इनपुट ले रहा है वो जीरो और वन की फॉर्म में ले रहा है इतनी बात क्लियर है तो हर एक टाइप का जो डेटा है वो अलग इनपुट डिवाइस से यूज होता है जैसे कीबोर्ड जो है कैरेक्टर्स डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैंने आपको बताया जो माउस है वो यूज किया जाता है स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करने के लिए या अगर आपने फ्री हैंड में ड्राइंग करनी है वैसे ही वॉइस के लिए आप यूज करते हो माइक्रोफोन जिससे आप साउंड इनपुट दे सको साउंड को रिकॉर्ड कर सको अब अंदर चलेगी इंफॉर्मेशन दूसरा काम है प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो इनपुट डेटा है उसको तब्दील करना रिजल्ट देना उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं ये कंप्यूटर का मेन काम है अब जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो अलग अलग तरीके के ऑपरेशन होते हैं आप कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकता है मैथ से रिलेटेड लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है कोई लॉजिक लगाना है कोई कमांड दी है वो तो ये जो काम है ये किया जाता है ये सारा का सारा जो प्रोसेसिंग की जाती है आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर याद रखना प्रोसेसिंग की जाती है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ये कंप्यूटर के अंदर ही लगा होता है तो ये एक सेंट्रल पार्ट है हमारी प्रोसेसिंग का और ये सारा काम जो है प्रोसेसिंग का ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट है प्रोसेसिंग साइकिल का कंप्यूटर के वो सारा का सारा काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे अब आ गया प्रोसेसिंग हो गई अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर और सीपीयू के अंदर ही होता है जिससे हम प्रोसेसिंग करते हैं अब आ जाता है आउटपुट यानी कि रिजल्ट देना प्रोसेसिंग हो गई रिजल्ट तैयार हो गया बाहर देना है अब अंदर जो रिजल्ट है वो तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म समझ नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से चेंज करके उसे जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया जाता है ताकि हम लोग समझ सके और जो आउटपुट है वो कहाँ कहा पे आती है स्पीकर पे आ जाती है प्रिंटर पे आ जाती है स्क्रीन पे आ जाती है मॉनिटर एलसीडी एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी की स्क्रीन भी आजकल एलसीडी आ रही है ना वही चीज तो चलिए एक बार हम ढंग से इन सारी चीजों को यूज करके एक ब्लॉग डायग्राम बनाते हैं कंप्यूटर का आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम जिसमें इम्पोर्टेंट जो हिस्से हैं वो कंप्यूटर के समझाए गए हैं तो ये ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्लॉक डायग्राम का तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आप देखेंगे प्रोग्राम या जो डेटा है वो इनपुट में डाला जाता है इनपुट अटैच होता है सीपीयू के साथ जिसके आगे तीन यूनिट्स होते हैं और सीपीयू से इंफॉर्मेशन बाहर जाती है आउटपुट यूनिट में जिससे हमें रिजल्ट मिलता है अब ये जो सीपीयू है इसके तीन यूनिट है एक है मेमोरी यूनिट एक है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अब इन तीनों के बारे में एक एक लाइन आपको पहले मैं बता देती हूँ उसके बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी ये कहा इस्तेमाल किए जाते हैं सबसे पहले आप देख रहे हो गेमरी यूनिट है मेमरी यानी याददाश्त इसे हम स्टोर यूनिट बोलते हैं जिसके अंदर डाटा और सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर सिस्टम की वो इसी के अंदर स्टोर्ड होती है वो हो गया मेमरी यूनिट अब मेमरी यूनिट से जो सामान है वो जाता है कंट्रोल यूनिट के अंदर वो ना इंस्ट्रक्शन को अपनी लैंग्वेज में डी करता है कि क्या क्या कमांड देनी है आगे तो वो उसको समझने की कोशिश करता है मतलब मेमोरी यूनिट 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 से आप ये कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन जाती है है कंट्रोल कंट्रोल की तरफ उसे फरोलता है, खोलता है समझ निकालता है उसकी कि भाई इसके आगे क्या करना है अब कंट्रोल यूनिट के बाद काम करने की जो बेसिक जिम्मेदारी आती है वो आती है ए की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अब ए जो है वो असल में काम करता है यानी एग्जीक्यूट करता है काम को और उसके बाद फिर से वो मेमोरी यूनिट को दे देता है कि भाई साहब ये रिजल्ट है ये आप स्टोर कर लो आउटपुट को दे देना इनपुट में भी मेमोरी यूनिट के पास गया आउटपुट पे भी मेमोरी यूनिट के पास गया जो हमारा कंट्रोल यूनिट है उसने क्या किया डी कोड किया कि यार ये क्या बोल रहा है समझू 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 इंस्ट्रक्शन नहीं उसके बाद एएल यू ए एल यू एक्चुअली में काम कर रहा होता है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेन जो मेमोरी है वो हो गए आपके प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपके टीचर को वो हो गए कंट्रोल यूनिट जो समझते हैं अच्छा बच्चों को क्या कराना है क्या कराना है क्या कराना है और आप लोग हो गए एलयू क्योंकि आप असल में पेपरों में बैठते हो आप समझते हो आप याद रखते हो आप रिजल्ट देते हो है कि नहीं तो अब तीनों चीजें क्लियर हो गई अब ये जो सीपीयू के पार्ट्स हैं तीनों के तीनों एक बार इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मेमरी यूनिट यानी एम यू कंट्रोल यूनिट यानी सी यू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब ए एल यू तो मेमरी यूनिट मैंने आपको बता दिया ये स्टोरेज यूनिट होता है इसके अंदर डेटा पड़ा होता है इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती है अलग अलग तरीके की मेमरीज होती है इसकी और हर किसी का अपना अपना काम होता है अपना अपना रोल होता है मेमरी कितनी है साइज कितना है क्या काम है अलग अलग हो सकते हैं वो दूसरा आ जाता है कंट्रोल यूनिट जो कि आपके टीचर है वो डी कोड करते हैं वो दिमाग होते हैं बेसिकली कंप्यूटर का याद रखना कंट्रोल करते हैं आपको भी और वो कंप्यूटर का भी दिमाग होते हैं ये सारे के सारे जो काम होते हैं जो दिए होते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन को उसे डी कोड करते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है ये कंट्रोल करते हैं सबकी फंक्शनिंग जैसे आप कैसे परफॉर्म करते हो क्लास में दूसरा बच्चा कैसे करता है सबकी फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करते हैं एक्सेप्ट करते इंस्ट्रक्शन को लेते हैं उसके बाद सिग्नल देते हैं कि ये ये जैसे ऐसे घूर दिया तो इसका ये सिग्नल है ऐसे कर दिया तो इसका ये सिग्नल है तो कंट्रोल यूनिट भी सिग्नल देता है इनपुट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कि ये करना है अब ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं ये अलग अलग तरीके के कंप्यूटर के पार्ट्स पे एक्ट करते हैं और काम करते हैं तो जो मेन फंक्शन है इसका कंट्रोल यूनिट का वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसे डी करता है और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन या सिग्नल देता है कि अच्छा ऐसे, ऐसे 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 अब आ जाती है आपकी बारी यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आप जो है आप कोर कंपोनेंट है कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल यूनिट था वो दिमाग था लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है सीपीयू का आप क्या करते हैं ऑपरेशंस करते हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड दिमाग वाले ऑपरेशन लॉजिकल यूनिट तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो सारे के सारे काम डिजिटल मतलब जो जीरो और वन में समझता है लैंग्वेज को वो सारे के सारे ऑपरेशन करता है कैलकुलेशंस करता है इसी यूनिट के द्वारा टीचर जो तो सिंपल बोल देते हैं उसके बाद आपको दिमाग लगाना पड़ता है तो जब प्रोसेसिंग होती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस की लॉजिकल ऑपरेशंस की उसकी ना कुछ कमांड्स होती है जैसे ए एन डी एंड और नॉट करके होती है ये कमांड्स वो यूज करके जैसे आपके दिमाग में होता है प्लस कैसे करना है माइनस कैसे करना है वो कमांड्स इस्तेमाल करके वो सही आंसर दे देता है तो इस पार्ट को कंप्यूटर के इंटीग्रेट किया जाता है यानी लगाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पर अभी हम आगे चलते हैं कंप्यूटर की मेमोरी किस किस तरीके की होती है अभी हमने मेमोरी यूनिट की बात की थी अब ये जो मेमोरी है याददाश्त है ये दो तरीके की होती है एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी तो आप कह सकते हो पेन ड्राइव हार्ड डिस्क सी वगैरह जो आप लगाते हो प्राइमरी मेमरी ज्यादा याद करने वाली है उसके बारे में पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की ये डायरेक्टली आप इसको पहुंच सकते हो माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके जो कि कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू का तो आप माइक्रो प्रोसेसर तक जाते हो और मैंने आपको बताया वहां से आप ये जो मेमोरी है इसका इस्तेमाल कर सकते हो तो जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है डेटा है वो स्टोर्ड होता है प्राइमरी मेमरी के अंदर मतलब इनपुट जो डाला जाता है प्राइमरी मेमरी में होता है फिर वो आगे जाता है कंट्रोल यूनिट फिर एएल में तो सारा का सारा यहां पे होता है इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी अब ये प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती है एक है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रोम रीड ओनली मेमोरी अब ये जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी ये मेन मेमोरी का जो प्राइमरी मेमोरी की मेन मेमोरी का हिस्सा है अब ये जो है बड़ी फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की सारी इंस्ट्रक्शंस डेटा इसी में स्टोर किया जाता है रैम के अंदर प्रोसेसिंग करते वक्त याद रखना रैम के अंदर स्टोर किया जाता है अगर आप कोई भी कमांड देते हो वो रैम के अंदर स्टोर होती है पर अब क्योंकि रैम के अंदर स्टोर्ड है तो हम कह सकते हैं बहुत वॉलिटाइल है सिस्टम बंद हो गया पावर चलेगी सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा इतनी बात क्लियर क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए याद रख सकता है ना ज्यादा याददाश्त है नहीं रैम की अब बात करते हैं सेकेंड की रोम रीड ओनली मेमरी ये जो है ये परमानेंट मेमरी है जो मदर बोर्ड से अटैच होती है मदर बोर्ड आप देख सकते हैं क्या होता है इसके अंदर जो भी सामान है वो चेंज नहीं कर सकते तभी इसका नाम लिखा है ना रीड ओनली मेमोरी सिर्फ पढ़ सकते हो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं डेटा होता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है आप कोई कमांड देते हो वो रैम में जाता है कंप्यूटर कैसे काम करेगा कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए वो इस मेमोरी के अंदर होती है तो इसीलिए इसको आप चेंज नहीं कर सकते कोई राइटिंग ऑपरेशन नहीं होता इसके ऊपर ये वॉलेटाइल नहीं होती इतनी ज्यादा इसीलिए हम इसे रोम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते अब ये चीज याद रखना अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अब ये जो सेकेंडरी मेमरी है इसे ऑक्सिलरी मेमरी भी बोला जाता है एक्स्ट्रा मेमरी ये परमानेंट मेमरी नहीं होती कंप्यूटर सिस्टम की जैसे हमने बात की जो रैम है वो परमानेंट नहीं है रोम जो है उस पर यूजर काम नहीं कर सकते स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा चीजें लेकिन अगर आपको परमानेंट कोई चीज चाहिए कंप्यूटर से बाहर तो आप यूज कर सकते हो सेकेंडरी मेमरी अब ये जो मेमोरी है ये सीधा प्रोसेसर के जरिए आप इस तक नहीं पहुंच सकते जैसे रैम और रोम को आप प्रोसेसर से होते हुए पहुंच सकते हो ये जो डेटा स्टोर किया जाता है इसके अंदर ये नॉन वॉलेटाइल है मतलब पावर गई तो पेन ड्राइव से कहाँ इंफॉर्मेशन जाएगी है कि नहीं तो इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज का यूज किया जाता है जैसे हार्ड डिस्क हो गए सी डी हो गई डीवीडी हो गई पेन ड्राइव हो गई ये सब चीजें अपने आप नहीं उड़ता इसके अंदर से सामान जब तक ठीक तरीके से यूज किया जाए अब जो कंप्यूटर हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है उनकी स्पीड के हिसाब से उनकी याददाश्त मेमोरी के हिसाब से प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके हिसाब से सबसे पहला जो हम यूज करते हैं उसे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी। फिर मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं आमतौर पे ये यूज किया जाता है बहुत कॉमन है स्टोरेज कैपेसिटी अपनी होती है प्रोसेसिंग स्पीड ठीक ठाक होती है कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है सब घरों में ऑफिस में स्कूल में यही इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की नाम तो है मिनी कंप्यूटर पर इसके जो गुण है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा याद रखना उल्टा काम है अलग अलग फील्ड में इसका काम किया जाता है बहुत जगह पे यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वो कैपेसिटी भी ज्यादा होती है शेयर करने के लिए कोई चीज है प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है बाकी कंप्यूटर्स की तुलना तो ये जो कंप्यूटर है ये बिजनेसेस में भी यूज किए जाते हैं और साथ के साथ साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज किए जाते हैं बड़े बड़े बिजनेस लोग यूज करते हैं मतलब बिजनेस में यूज किए जाते हैं बड़ी बड़ी टीम बेस्ड जो कंपनीज है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की आप इमेज में देख सकते हो ये जो कंप्यूटर है ये बड़ी से बड़ी प्रोसेसिंग कर सकता है बड़े से बड़ा जो डेटा है वो होल्ड कर सकता है और इसकी जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग की वो भी बहुत तेज होती है तो बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना जैसे ऑफिस हो गए बैंक हो गए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े काम कर रही होती है वहां पे इसे इस्तेमाल किया जाता है लास्ट में आ जाता है सुपर कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी बाप होता है इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम इंडिया ने बनाए हैं अच्छे खासे सुपर कंप्यूटर तो आप ये कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे पावरफुल कंप्यूटर सबसे तेज स्पीड सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी मतलब जल्दी प्रोसेस कर लेता है सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर लेता है तो ये जो सुपर कंप्यूटर है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि इतने पावरफुल होते हैं ना तो ये बहुत महंगे होते हैं आसानी से आप इसे खरीद नहीं सकते अब ये सुपर कंप्यूटर कहा इस्तेमाल किए जाते हैं वेदर फोरकास्टिंग में क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च करने के लिए ऑयल या गैस एक्सप्लोरेशन के लिए मतलब ऑयल या गैस को खोजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये थी आज की क्लास मैं उम्मीद करती हूँ आपने काफी नई चीजें सीखी होंगी आज अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई सी यू सून टेक केयर बाय बाय